मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के एक ही परिवार के 3 संदिग्ध मिले हैं। इन लोगों को इलाज के लिए एम्स के मेडिसिन विभाग में बने अलग वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी ने कुछ दिन पहले चीन की यात्रा की थी। जब ये लोग चीन से वापस इंडिया आए तो सर्दी, जुकाम, गले में खराश और बुखार के लक्षण दिखने पर इलाज के लिए एम्स पहुंचे थे। यहाँ डॉक्टरों ने इन लोगों को कोरोना वायरस का संदिग्ध मानते हुए भर्ती कर जांच के लिए सैंपल NIV पुणे भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों का कोई रिश्तेदार चीन में रहता है। तीनों लोग उसके बुलाने पर घूमने के लिए चीन गए थे। वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक 21 लोगों को कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज माना गया है। इसमें 9 लोग वो हैं जो चीन से प्लेन के जरिए दिल्ली लाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश से भेजे गए सैंपलों में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। न्यूज़ डेस्क।